हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पोटैटो बाइट्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, या फिर आप पोटैटो नगेट्स भी कह सकते हैं। अगर आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे और इसी तरह से बनाकर खाएंगे तो आप सोचेंगे कि ये रेसिपी पहले क्यों नहीं मिली, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और चटपटे बनते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं जो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। सबसे पहले लेंगे 4 बॉइल्ड आलू और इन्हें अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू में बिल्कुल भी लम्स नहीं आने चाहिए, आप चाहे तो ग्रेटर के हेल्प से भी ग्रेट कर सकते हैं या फिर आप मैश कर लीजिएगा। देखिए, आलू भी अच्छे से मैश हो चुके हैं। फिर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चावल का आटा, या फिर आप अरारोट भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून लेंगे नमक, नमक आप अपने अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून लेंगे चिली फ्लेक्स। 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा चटपटा और मज़ेदार हो जाएगा। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक डो तैयार कर लेंगे। देखिए, डो भी बिल्कुल रेडी है। इसके 2 तरीके से आप इसे बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका, अपने हाथ पर हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा ताकि आलू चिपके नहीं, और आलू का थोड़ा सा पोर्शन लीजिएगा और इसे एक क्यूब की शेप दे दीजिएगा, और फोक की हेल्प से हम इस तरह से इसे डिज़ाइन दे देंगे। आप चाहे तो यही वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, और जो दूसरा तरीका है वो इससे भी ज़्यादा ईजी है। हल्का सा आटा इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे, और जो हमने आलू का डो तैयार किया है उसके हम 3 पार्ट कर देंगे। फिर हम एक पार्ट लेंगे, डो का हम एक पार्ट लेंगे और इसको हम इस तरह से रोल करते जाएंगे। ये तरीका और भी ज़्यादा अच्छा है, मैं सजेस्ट करूँगी आप ये वाला तरीका ही यूज़ कीजिएगा इससे, क्योंकि बहुत आसानी से आप काफ़ी सारे नगेट्स तैयार कर लेंगे। फिर नाइफ की हेल्प से हम इस तरह से क्यूब्स कट करते जाएंगे। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और एक साथ काफ़ी सारे बाइट्स तैयार हो जाते हैं। फिर एक एक करके हम सारे पोटैटो बाइट्स को शेप दे देंगे, और फोक की हेल्प से हम इसमें इस तरह से एक डिज़ाइन दे देंगे। बाकी के पोटैटो बाइट्स भी हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, सारे पोटैटो बाइट्स हमने तैयार कर लिए हैं, और 4 आलू में कम से कम 30-35 पोटैटो बाइट्स इसमें रेडी हो जाते हैं। तो अब हम इन्हें प्रॉपर डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए ऑयल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। गैस को हाई फ्लेम पर ही रखिएगा और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। अगर आप ठंडे ऑयल में पोटैटो बाइट्स डालते जाएंगे तो ये कढ़ाई में चिपक भी सकते हैं, तो ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। जब सारे बाइट्स एक तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो दूसरी साइड से भी इसे पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिएगा। ये देखिए, हमारे पोटैटो बाइट्स भी कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इनका कलर भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा कलर आया है, और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा यम लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आपने पोटैटो बाइट्स की अगर कितनी रेसिपी देखी होगी, उसमें चाट मसाला ऐड नहीं किया गया होगा, आप ये ऐड करके देखिएगा। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा चटपटा और टेस्टी लगता है। ये देखिए, हमारे सारे पोटैटो बाइट्स बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं, और देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर भी इनमें आया है, और इनको बनाना भी कितना आसान है, आपने खुद देख लिया होगा। तो जब भी आपको कोई स्नैक्स खाने का मन करे और कुछ जल्दी बनाना हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ईजी है और टेस्टी भी है। आई होप सो आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई रेसिपी डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का शुक्रिया।